अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत ग्लव्स बनाने का तरीका सिखाऊंगी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। और अगर आप क्रोशिया बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। इसमें मैंने सारे स्टिचेस बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप इन ग्लव्स को बहुत ही आसानी से बना सकें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इन ग्लव्स को बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने 2 कलर्स का यूज़ किया है, एक हाफ़ वाइट है और पिंक कलर। आप इस पे फ्लावर भी अटैच कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, ठीक है, आप अटैच कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम ग्लव्स को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ग्लव्स को बनाने के लिए मैं 4 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ, और इन 2 कलर से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम पिंक कलर से स्टार्ट लेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे। सबसे पहले ऐसे करके आपने स्लिप नॉट बनाना है, और स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 13 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और इन 13 में से फर्स्ट जो हमारा चेन है वो सिंगल क्रोशिया के लिए है, उसको हम स्किप करेंगे। और जो सेकंड नंबर वाला चेन है उसके अंदर हम इस तरह से हुक को डालेंगे, एक लूप लेके बाहर निकालेंगे। 2 लूप्स हैं हुक के ऊपर, एक लूप लेंगे और इन दोनों में से पास कर देंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच है, ठीक है। इसके बाद अगला चेन है, ये हमारा अगला चेन है, इसके अंदर हम सेकेंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, जैसे हमने फर्स्ट बनाया था बिल्कुल ऐसे ही हमने सेकेंड बनाया। अब ये जो तीसरा चेन है इसके अंदर डालेंगे हुक को, और सेम बिल्कुल वैसे ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा तीसरा सिंगल क्रोशिया है, और बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट वाले चेन तक आएंगे, ठीक है। अभी जितने भी चेन्स रह गए हैं सब में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बना के आखिर तक जाऊँगी, फिर आपको यहाँ से आगे दिखाऊँगी कि इससे आगे आपने किस तरह से ये स्टिचेस बनानी है। ये हमारी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। और आप अगर अपनी स्टिचेस काउंट करना चाहते हैं तो आपने ऐसे काउंट करना है, ये जो लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको आपने काउंट करना है, तो आपको अपनी स्टिचेस का पता लगेगा कि ये कितनी है, ठीक है। अभी हमारी स्टिचेस टोटल 12 हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये 12 स्टिचेज़ हैं। और फर्स्ट जो हमारा राउंड था वो कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब सेकंड स्टार्ट करेंगे, और जिस तरह से अभी ये राउंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसके बाद हर राउंड को आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है। एक चेन बनाना है और इसको ऐसे आपने टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद आप यहाँ देखेंगे ये एक चेन है और ये हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है, तो आपने बिल्कुल इसी फर्स्ट स्टिच के अंदर ही आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिर्फ आपने चेन को छोड़ देना है और पहले ही स्टिच में आपने ऐसे हुक को डालना है, एक लूप लेके बाहर निकालना है। 2 लूप्स हैं, एक लूप लें और इन दोनों में से पास कर दें। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच हो गया, बिल्कुल ऐसे ही आगे भी बनाएंगे, ये देखिए। और सिर्फ आपने जो है वो इस साइड वाले जो पीछे वाला लूप है उसको इस्तेमाल करना है, इन दोनों लूप्स में ऐसे आपने नहीं डालना, सिर्फ जो पीछे वाला लूप है उसमें आपने हुक को डालना है। ये देखिए, ये मैंने सिर्फ पीछे वाले लूप में हुक को डाला है, एक लूप लिया है, इसको निकालेंगे ऐसे और एक लूप लेके 2 में से पास करेंगे, ठीक है। आपने सिर्फ पीछे वाले लूप को इस्तेमाल करते हुए सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनाने हैं, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ लास्ट तक आएंगे और फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने स्टिचेस बनानी है। जी यूएस, ये स्टिचेस मैंने बना ली हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला स्टिच आप किस तरह से बनाएंगे, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं ये लास्ट वाला स्टिच इस तरह से बनाऊँगी। ये देखिए, आखिरी स्टिच में हुक को डालेंगे, एक लूप लेके बाहर निकालेंगे ऐसे, और इन दोनों लूप्स को यहीं पर रहने देंगे, और ये जो वर्किंग थ्रेड है हमारा इसको यहाँ ला के पकड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। और जो दूसरा कलर हम यूज़ कर रहे हैं वो लेंगे, ठीक है, उस पर भी आपने एक स्लिप नॉट बना लेना है पहले से ही, ठीक है। ऐसे ही हमने स्लिप नॉट बनाया, यहाँ पर इसको हुक के ऊपर डालेंगे, ठीक है। और ये जो हमने पिंक वाला पकड़ा हुआ इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पकड़ लेंगे, और ये जो हमारा
नॉट वाला लूप है इसको लेके आएंगे और इन दोनों में से पास करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। ऐसे आपने यहाँ पर एक चेन बनाना है, ठीक है। अब ये हमारे नेक्स्ट राउंड की स्टिचेस स्टार्ट हो गई हैं, तो ये हमने एक चेन बनाया और वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जो हमारा बिल्कुल पहला वाला स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कोई भी स्टिच आपने यहाँ पर कॉर्नर में स्किप नहीं करना, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच बनेगा। नेक्स्ट वाले स्टिच के बैक लूप में हमारा सेकंड सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे इन स्टिचेस को, बैक लूप में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट तक आएंगे। और लास्ट स्टिच में भी आपने ज़रूर सिंगल क्रोशिया बनाना है, कोई भी स्टिच लास्ट में आपने स्किप नहीं करना। अभी ये मैं स्टिचेस कंटिन्यू करती हूँ, लास्ट तक लेके जाती हूँ। ये लास्ट तक मैंने ये स्टिचेस बना ली हैं, अब हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। अभी हम कलर चेंज नहीं करेंगे, हर कलर से दो राउंड बनाएंगे फिर हम कलर चेंज करेंगे। ये एक चेन बनाया, वर्क को टर्न करेंगे और बिल्कुल चेन के पास वाले स्टिच में पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में दूसरा बनाएंगे। और ये स्टिचेस हम बैक लूप में बना रहे हैं, हर बार हमने ये स्टिचेस बैक लूप में ही बनानी हैं। अभी मैं ये स्टिचेस लेकर आऊँगी यहाँ लास्ट तक, फिर आपको एक बार फिर कलर चेंज करके दिखाऊँगी और उसके बाद स्टिचेस सेम ऐसे ही हैं, इन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे और अपना ये पूरा जो पैटर्न है इसको कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट होने वाला है, जस्ट हमारा लास्ट वाला जो स्टिच है वो रह गया है और हमने यहाँ पर कलर चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट स्टिच है ये देखिए इसका बैक लूप है, इसमें हुक को डालेंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपने हुक को डाला, एक लूप लेके निकालेंगे, दो लूप्स हो जाएंगी और इस कलर को आपने साइड पे कर देना है, ठीक है। और जो कलर हमारा यहाँ अटैच है ऑलरेडी, पिंक कलर जो कि हम यूज़ कर रहे थे उसको आपने लेना है। ये हमारा पिंक कलर है, पहले से ही अटैच है, ठीक है। अब हमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कलर ऑलरेडी यहाँ पर अटैच है, इसको आपने ऐसे लेना है, यहाँ लेकर आना है, ठीक है। और इन दोनों लूप्स में से ऐसे आपने पास कर देना है और एक चेन बना लेना है। इस तरह से ये चेन बना लिया आपने और वर्क को टर्न करना है और चेन के बिल्कुल पास वाले स्टिच में आपने अपना पहला सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट स्टिच में भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सारे जितने भी सिंगल क्रोशिया हैं उन सबको हमने बैक लूप में ही बनाना है, ठीक है। और जैसे कि अभी हम पिंक कलर से बना रहे हैं तो पिंक कलर से हम दो राउंड कंप्लीट करेंगे और फिर अगेन इसी कॉर्नर पर जैसे अभी हमने कलर चेंज किया है फिर से बिल्कुल इसी तरह से इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम कलर चेंज करेंगे और इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। अब हमारा थ्रेड अटैच रहेगा, ऐसे ही हम स्टिचेस इसी तरह से बनाते रहेंगे, ठीक है। राउंड का स्टार्ट आपने किस तरह से करना है वो भी बता दिया है और नया कलर आपने किस तरह से शुरू करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए इस तरह से आपने ये स्टिचेस बनानी है, ठीक है। ये स्टिचेस कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने 16 राउंड तक ये स्टिचेस कंप्लीट कर ली हैं, आप देख सकते हैं। और आप कितने राउंड तक करेंगे, आपने इसको ऐसे मेयर करना है कि इसको आपने यहाँ पर रखना है अपनी कलाई पे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह मेयर करना है। ये देखिए ये यहाँ तक इस तरह पूरा आ रहा है और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है तो आपको इसको पहनने में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये राउंड मैंने 16 कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अभी यहाँ पर मैंने लास्ट स्टिच बनाया है और कोई चेन अभी तक नहीं बनाया, ठीक है। चेन हम अभी बनाएंगे, यहाँ आपने ऐसे चेन बनाना है और जो दूसरा सिरा आपने लेना है उसको यहाँ लेके आना है, इस तरह से इन दोनों को जोड़ के रखना है, ठीक है। और सबसे जो पहला स्टिच होगा उसमें आपने हुक को डालना है, कोई भी आपने यहाँ पर कॉर्नर में स्टिच स्किप नहीं करना, बिल्कुल जो कॉर्नर वाला पहला जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहाँ पे डालना है और इस तरह से करके आपने यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाना है, ठीक है। और अगेन हम ये स्टिचेस इस तरह से बनाएंगे, ये जो हाफ वाइट वाला कलर है इसकी स्टिचेस को हम इस तरह से बनाएंगे, सिर्फ बैक लूप में हम हुक को डालेंगे। ये हमारा बैक लूप है, ये देखिए इसमें हुक को डालेंगे और यहाँ से एक लूप लेंगे इसमें डालेंगे, ठीक है, और लूप लेके इसमें से बाहर निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये स्टिचेस बनाएंगे, यहाँ पर बैक लूप में हुक को डालेंगे सिर्फ बैक वाले में और यहाँ पर पिंक कलर के लूप में डालेंगे और एक लूप लेके बाहर निकालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे,
इन स्टिचेस को आपने ऐसे ही बनाते जाना है। जो हाफ वाइट वाला है उसके बैक लूप में आपने हुक को डालना है, और दूसरे का लूप तो वैसे भी एक ही होगा जहाँ से हमने स्टिचेस को स्टार्ट किया था। तो इस तरह से आपने ये स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ से आगे तक जाना है। इस साइड की भी स्टिचेस 12 हैं और इस साइड की भी 12 हैं, तो आपने हर स्टिच को दूसरे सामने वाले के साथ आपने स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ एंड तक आना है। जी व्यूअर्स, ये यहाँ पर मैंने सारी स्लिप स्टिचेस बना ली हैं और यहाँ पर एंड में मैंने एक चेन भी बना लिया है। ठीक है, ये चेन हमने बना के रखा हुआ है और अब मैं इस थ्रेड को यहाँ से कट करूँगी और बाकी स्टिचेस जो मैं बनाऊँगी वो इस तरफ बनाऊँगी। इस तरफ इसलिए बनाऊँगी, ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने कलर चेंज किया है इसकी वजह से ये लूप्स बने हुए हैं। इन लूप्स को हाइड करने के लिए मैं इस तरफ ये स्टिचेस बनाऊँगी। ठीक है, तो इस तरफ मेरा ये वाला थ्रेड अटैच है पिंक कलर वाला, तो इसी कलर को यूज़ करते हुए यहाँ से आगे हम इस तरफ स्टिचेस को कंटिन्यू रखेंगे और इस कलर को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, तो चेन हमारा बना हुआ है। जी व्यूअर्स, इस पॉइंट पर हमारा पिंक कलर अटैच है, तो यहीं से हम स्टिचेस को स्टार्ट करेंगे और इस राउंड में हम सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे। और ये देखिए आपको यहाँ पर होल खुद ही इस राउंड में नज़र आ जाएंगे, जहाँ पर आपको इस तरह से एक छोटा सा होल नज़र आएगा उसमें आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस राउंड की भी स्टिचेस बहुत ही सिंपल है। ये देखिए इस तरह से स्टार्ट लेंगे, एक चेन बनाएंगे, चेन बनाने के बाद सेम इसी पॉइंट पर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये नेक्स्ट होल में आपने एक बनाना है इस तरह से। हर पॉइंट पर आपने इस एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस राउंड की स्टिचेस को कंप्लीट करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमारी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनेंगी। ये मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना ली हैं। लास्ट में आप क्या करेंगे, जो हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया था उसके साथ आपने इसको स्लिप स्टिच से ऐसे करके ज्वाइन करना है। ये देखिए ऐसे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये स्लिप स्टिच है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेन टू बनाएंगे, 1 2, और यहाँ से एक स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये एक स्टिच स्किप किया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन चेन टू, 1 2, एक स्टिच स्किप होगा ये वाला और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनेगा, चेन टू, 1 2, एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस राउंड की स्टिचेस ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, चेन टू बनाएंगे, एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। ये पूरा राउंड मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको यहाँ लास्ट में दिखाऊंगी कि लास्ट में आपने किस तरह से बनाना है। जी व्यूअर्स, ये लास्ट में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा एक स्टिच है, इसको हम स्किप करेंगे और जो हमारा पहला स्पेस है चेन टू का, इसके अंदर हमने लाके इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट स्पेस था, उसके अंदर मैंने इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। अगेन चेन टू बनाएंगे और नेक्स्ट जो स्पेस है ये वाला, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पर स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से आपने इन स्टिचेस को जो है ज्वाइन करना स्टार्ट किया था। और अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप इस तरह से कोई एक थ्रेड लेकर आप इसको यहाँ पर ऐसे डाल दें ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से आपने स्टिचेस को जो है वो ज्वाइन करना स्टार्ट किया था, यहाँ पर आपका राउंड जो है वो एंड हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप इसको डाल के रखें ताकि आपको इजीली समझ आए कि कहाँ पर आपका राउंड एंड हुआ था। और आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, चेन टू बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, चेन टू बनाएंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इन स्टिचेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी मैं अपनी ये स्टिचेस कंप्लीट करती हूँ और हर बार आपने ला के इस वाले स्पेस में जहाँ पर आपकी स्टिचेस एंड हो रही हैं उसके साथ आपने स्लिप स्टिच करके सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी मैं सारी स्टिचेस कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको ये भी दिखाऊंगी कि स्टिचेस किस तरह से बनी हैं और मैंने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, ये मैंने 8 राउंड्स तक कंप्लीट कर ली हैं स्टिचेस। ठीक है, अब इसके बाद हम जो थंब का एरिया है वो बनाएंगे, थंब का एरिया बनाने के लिए। और अब ये स्टिच मार्कर आप रिमूव कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे। थंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चेन्स बनाएंगे 5, 1 2 3 4
फाइव चेन्स, और ये जो दो चेन स्पेस हैं हमारे, टू चेन स्पेस वाले दो हम स्किप करके जो तीसरा है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारे थंब के लिए जो जगह है वो बन गई है। इस तरह से हम बनाएंगे। इसके बाद फिर से अपने स्टिचेस को बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, दो चेन बनाएंगे, और चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट चेन स्पेस है उसके अंदर स्लिप सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, चेन टू बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अभी मैं ये कंटिन्यू करती हूँ और यहाँ स्पेस तक आके फिर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर आपने स्टिचेस को किस तरह से बनाना है। जी वेस थंब के एरिया तक मैं पहुंच गई हूँ और यहाँ पर मैंने दो चेन बना लिए हैं। दो चेन बनाने के बाद ये जो थंब वाला एरिया है इसके सेंटर में आपने एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है, अगेन चेन टू बनाना है, वन टू, और नेक्स्ट जो हमारा चेन स्पेस है इस थंब वाले एरिया के बाद उसमें आपने इसको स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। ठीक है, इस तरह से ये स्टिचेस यहाँ बनेंगी। ठीक है, और फिर अगेन इसके बाद चेन टू, वन टू, और नेक्स्ट स्पेस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन चेन टू, वन टू, और नेक्स्ट जो चेन स्पेस है इसके अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इन स्टिचेस को बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू रखें जैसे हमने ये वाली बनाई है, इस एरिया की बनाई है। ऊपर भी आप इस तरह से बना लें, और ऊपर आपने इन स्टिचेस को इतना बनाना है जितना आप इसकी ऊपर की तरफ लेंथ रखना चाहते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद हमारी सिर्फ हाफ इंच तक हमारी स्टिचेस हैं, तो आपने हाफ इंच छोड़ के उसके नीचे जितना लेंथ आप रखना चाहते हैं वो आप कंप्लीट करें। मैं भी अपनी स्टिचेस कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं। जी व्यूअर्स, मेरी यहाँ पर जो है स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं, और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 स्पेस रखे हुए हैं, और यहाँ पर मैंने 8 स्पेस बनाए थे। ठीक है, आपने भी जिस हैंड के लिए आप बना रहे हैं उस हिसाब से आपने इस जगह की लेंथ रखनी है और इस जगह की भी लेंथ रखनी है। ठीक है, अब इस राउंड को हमने एंड किस तरह से करना है। यहाँ पर मैंने दो चेन बना लिए हैं और इस स्पेस में ला के मैं यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। ठीक है, सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना, एंड हमने स्लिप स्टिच से करना है। ठीक है, ये मैंने स्लिप स्टिच बना लिया। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और सेम इसी जगह पर जहाँ पर हमने चेन बनाया है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और ये जो सिंगल क्रोशिया स्टिच है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा चेन टू का स्पेस है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे सिंगल क्रोशिया का स्टिच है उसमें एक बनाएंगे, चेन टू का स्पेस है उसमें बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया स्टिच है इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे चेन टू का स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक बना रहे हैं। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से आप स्टिचेस को स्टार्ट कर लें। ठीक है, जहाँ पर आपका पिछला राउंड एंड हुआ है वहाँ से स्टार्ट ले लें, या किसी भी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच में से आप स्टार्ट ले लें। चेन टू बनाएंगे, वन टू, और सेम इसी जगह पर जहाँ पर हमने ये चेन टू बनाया है यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम एक लूप लेते हैं और फिर हुक को यहाँ स्टिच में डालते हैं और फिर एक लूप लेके इन तीनों लूप्स में से पास करते हैं। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया स्टिच है। ठीक है, और इस राउंड में हम हर सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर, ये जो हमने बनाए थे हर सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर, एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस वाला राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड लास्ट राउंड बनाएंगे। सेकंड लास्ट राउंड के लिए चेन टू बनाएंगे, वन टू, और यहाँ से एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन टू बनाएंगे, वन टू, और एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन चेन टू, वन टू, एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी इन स्टिचेस को मैं कंटिन्यू करती हूँ और ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं।
जी व्यूअर्स, ये मैंने चेन स्पेस बना लिए हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये दो चेन मैंने बना लिए हैं और जिस पॉइंट से हमने इन स्टिचेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, स्लिप स्टिच जहाँ पर हमने बनाया था उसी पॉइंट पर हम यहाँ एक और इस राउंड का स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने बनाया और ये जो हमारा फर्स्ट चेन स्पेस है, डायरेक्ट हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, कोई भी चेन नहीं बनाएंगे। और इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा डबल क्रोशिया स्टिच है। ठीक है, इस तरह से लूप लेना है, चेन स्पेस के अंदर डालेंगे, एक लूप लेके दो में से पास करेंगे, फिर एक लूप लेंगे दो में से पास करेंगे, ये सेकंड डबल क्रोशिया और ये हमारा थर्ड डबल क्रोशिया हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और इससे नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, वन टू थ्री डबल क्रोशिया और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इससे नेक्स्ट में अगेन थ्री डबल क्रोशिया स्टिचेस। ठीक है, इस राउंड में हम इस तरह से स्टिचेस बना रहे हैं कि तीन डबल क्रोशिया एक चेन स्पेस में बना रहे हैं और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। इन स्टिचेस को कंप्लीट करेंगे और यहाँ लास्ट पे ला के आपको मैं दिखाऊंगी कि लास्ट में आपने इन स्टिचेस को किस तरह से बनाना है। इस राउंड की स्टिचेस कंप्लीट होने वाली हैं और ये जो सेकंड लास्ट वाला स्पेस है इसमें मैंने तीन डबल क्रोशिया बना दिए हैं और ये हमारा लास्ट वाला स्पेस है। लास्ट जो स्पेस है उसमें हम इसको जस्ट ये इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे और थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, इस जगह की हमारी स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, ये वाली सारी स्टिचेस कंप्लीट हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो थंब का एरिया है यहाँ पर भी ये वाली स्टिचेस हम रिपीट करेंगे, तो यहाँ से थ्रेड को कट करेंगे और फिर थंब की स्टिचेस बनाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम थंब के एरिया की स्टिचेस स्टार्ट करेंगे और ये मैंने स्लिप नॉट बांध दिया है, किसी भी एक पॉइंट से आप स्टार्ट लेंगे। ठीक है, हम सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना रहे हैं और इन स्टिचेस को हम इस तरह से बनाएंगे कि ये जो हमारा चेन टू का स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया स्टिचेस जो होंगे उनके ऊपर एक हमने बनाना है और इस ये जो सर्कल है इसमें टोटल मैं 14 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो स्टिचेस को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा सिंगल क्रोशिया नहीं बनाने, जस्ट आपने इतना करना है कि इस सर्कल को आपने नीट बनाना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनेगा, इवन नंबर में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया स्टिचेस, वन जी बस ये मैंने चेन टू स्पेसेस बना लिए हैं और यहाँ पर एंड में हमारी एक स्टिच जो रह गया है उसको हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है, फर्स्ट वाला जो हमारा स्पेस होगा उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और आप इन स्टिचेस को, ये जो हम चेन टू बना रहे हैं, इनको आपने इवन नंबर में रखना है और इनको ऐसे बनाना है कि ये तीन जो है वो डबल क्रोशिया स्टिचेस के अलावा यहाँ पर स्टिचेस ना बने, क्योंकि ये फिर इस तरह से ओपन रहेगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये चेन टू स्पेसेस बनानी है कि हमारी जो डबल क्रोशिया की जो स्टिचेस हैं, जैसे कि ये अभी हम बना रहे हैं, ये टोटल पूरे इस थंब के एरिया पर तीन होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, इस ये जो हम बना रहे हैं दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा है। ठीक है, इस तरह के हमने तीन बनाने हैं थंब के एरिया के लिए। और नेक्स्ट जो चेन टू स्पेस है वो हम उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इससे नेक्स्ट जो स्पेस है इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। जी व्यूअर्स, ग्लव्स हमने बना लिए हैं और आप देख सकते हैं कंप्लीट होने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।